गाइस तो देख सकते हैं वहाँ पे तीन सेट आ रहे हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस तो मैं हूँ दीपू और आज मेरी रिचा ब्लॉगर, आज दीदी का मन नहीं है ब्लॉगिंग करने का, आज तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ ब्लॉगिंग। तो आज हमारे नंदा नगर घाट में नदी के कारण बहुत नुकसान होते हुए आपको मैं दिखाता हूँ पीछे का व्यू कि कितने नदी आ रखी है। तो गाइस तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर कितना बाढ़ आ रखा है, ये आप इधर देख सकते हैं गाइस साइड कॉर्नर साइड पे पूरा, और इधर तो आप देख सकते हैं पूरा कितना तबाह हो गया लोगों के घरों के बीचों बीच आते हुए। जरा पूरा मलबा देख सकते हैं, ये पूरा कुमारतली साइड है और वो उधर काफ़ी तादाद में भीड़ लगी हुई है लोगों का देखना। और आप नदी का देख सकते हैं ये तो अभी बहुत कम है, पर रात को पूरा इधर पूरा जो बाढ़ आ गया था आप देख सकते हैं इधर पूरा कितना नुकसान हुआ है, देख सकते हैं आप। उधर स्कूल है वो, तो मैं अभी आपको आगे से दिखाता हूँ, आपको इतना क्लियर नहीं आ रहा है तो दिखाता हूँ। तो गाइस तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग घरों के बीचों बीच, और यहाँ पे एक टिन सेट बह के आ रखा है, और इधर देख सकते हैं अभी बीचों बीच दोनों साइड के कॉर्नर बीचों बीच यहाँ पे बाढ़ आते हुए बीचों बीच स्कूल के बीचों बीच आते हुए गाइस तो देख सकते हैं वहाँ पे एक टिन सेट आ रखा है और वहाँ पे एक आदमी भी है। तो पूरा क्लियर दिखाता हूँ मैं आपको, आगे से जस्ट थोड़ी सा आगे पे है, और ये हमारी दीदी जी ऋचा दीदी अक्षुमा जी और हमारा एक दोस्त भी आज हमारे साथ चल रहा है। तो दिखाते हैं आपको गाइस इधर का पूरा व्यू, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा रोड का कैसे हालत हो रखी है, कीचड़ ही कीचड़। ये देख सकते हैं इधर साइड और काफ़ी तादाद में आगे भीड़ लगी हुई है कि लोगों का, और आगे पूरी रोड भी टूट चुकी है आप इधर देख सकते हैं इधर चलते। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर पूरा कैसा हो चुका है इधर, ये हमारी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है और यहाँ पे देख सकते हैं आप बीचों बीच यहाँ पे ये स्कूल मंच है, ये मंच के पीछे देख सकते हैं आप कितनी सारी लकड़ियाँ हैं, और उधर देख सकते हैं आप स्कूल का पूरा फील्ड ही गायब हो गया कि दिख ही नहीं रहा है, और उधर एक घर भी देख सकते हैं उसके नीचे नीचे कुछ नहीं है, और उधर से उधर पूरा गाइस देख सकते हैं आप इधर कुछ पता नहीं चला रास्ता किधर था फील्ड किधर था, वो तो ये मंच की वजह से थोड़ी सा बच गया यहाँ पे, नहीं तो ये लकड़ी देख सकते हैं आप कितनी सारी है यहाँ पे, इससे बच गया नहीं तो पूरा उधर साफ था। और स्कूल के अंदर भी काफ़ी तादाद में लकड़ियों का घुसना बताया जा रहा है, हमने तो देखा नहीं फिर भी। उधर आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है उधर की साइड देख सकते हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर पूरा कैसे साइड कॉर्नर पूरे साइड ख़त्म ही ख़त्म, पूरा स्लाइडिंग हो चुका है इधर देख सकते हैं आप, पूरा इधर ये फील्ड देख सकते हैं आप यहाँ कॉर्नर साइड पूरा गया देख सकते हैं आप। तो हम आगे चलते रहते हैं और आगे बताया जा रहा है कि आगे भी रोड टूट रखी है, तो देख सकते हैं आप उधर पूरी नदी बढ़ रखी है अभी भी, और हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी आ रहा है आज। तो गाइस तो मौसम तो फिर भी ठीक ही है फिर भी, और आगे बताया जा रहा है कि रोड टूट रखी है, तब देखने चलते हैं गाइस। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आगे भी पूरी रोड टूट रखी है, और यहाँ पे देख सकते हैं इधर पे ये पूरी इसके नीचे भी पूरा टूट रखा है, और आप नदी देख सकते हैं पूरा कितना साइड। अब यहाँ पे का ये जो लोगों का आना जाना बंद हो चुका है आधे एक महीने तक, और यहाँ पे पूरी रोड टूट चुकी है, और यहाँ पे पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों ने हमको बोला कि आगे मत जाओ, तो गाइस तो डर तो लगती है पुलिस वालों से। तो आप उधर पूरा देख सकते हैं उधर नीचे स्लाइड आ गया चुका है, तो गाइस तो इधर पुलिस वाले सभी हैं और तब डर लग रही है तब। आप इधर से देख सकते हैं क्लियर तो नहीं आ रहा है फिर भी दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। अब यहाँ पे आधा महीने तक तो ये रास्ता नहीं खुला क्योंकि इधर कोई चट्टान है, और यहाँ से आ भी नहीं पाएंगे कोई, उधर से भी नहीं आ पाएंगे, इधर तो बहुत लंबी चट्टान है, और यहाँ पे पुलिस वाले और दो भैया लोग देख सकते हैं इधर पूरा नदी साइड साइड, और इसके नीचे भी काफ़ी उसे टूट चुका है, और इसकी एक और गाड़ी आ चुकी है, और लोग भी थोड़ी थोड़ी करके आ ही रहे हैं, तो हम भी घर के लिए निकल चुके हैं। पुलिस वालों ने बोला आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हो, तो इसलिए हम घर के लिए निकल गए हैं दीदी और दूसरी दीदी, तो बस चलते हैं तब घर की ओर। तब आगे तो काफ़ी टूट रखा है, तब जा भी नहीं सकते गाइस क्योंकि रास्ता ही नहीं है, आगे हमारे नीचे बाज़ार की साइड भी पूरा टूट चुका है, और एक बता रहे हैं कि एक होटल के नीचे भी पूरी दरार आ चुकी है। क्यों
आप देख सकते हैं लोग इधर, दिखाता हूँ आपको यहाँ से, आप उधर देख सकते हैं आप। इधर देख सकते हैं आप पूरे मकानों को कितना नुकसान हो गया है। तो दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों को तो हमारे दीदी का चैनल सब्सक्राइब करना, नेगरिचा ब्लॉग है। तो आई होप आप लोग से ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, और अगली बार से नहीं होगा तो मैं ही ब्लॉगिंग करूँगा, तो आप लोग कमेंट में बताना कैसा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। चलते हैं, बाय बाय।